लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर में प्रचार अंतिम चरण में है और इस समय प्रत्याशियों द्वारा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। ऐसे में नागपुर की हाई प्रोफाइल सीट कही जाने वाली नितिन गडकरी के प्रचार सभा में शामिल होने मनोज तिवारी नागपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से संवाद साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से हमने अपने क्षेत्र में 14,600 करोड़ के काम कराए हैं 10 साल में। पहली बार मेट्रो, पहली बार देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड, पहली बार सेंट्रल स्कूल, पहली बार रेलवे स्टेशन, पहली बार जमुना जी पे सिग्नेचर ब्रिज। तो ये सारी चीज़ें जब वो देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो राहुल गांधी जी को जाके बताएंगे कि जिस क्षेत्र को आप लोगों ने पराया कर छोड़ दिया था वो क्षेत्र मोदी के सिपाही ने सजा दिया है। दूसरी बार आपको बीजेपी ने भरोसा किया, जी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मोदी जी का आशीर्वाद है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है और जो विश्वास किया है पार्टी ने, हम दिल्ली की 7 सीटें बड़े मार्जिन से, पिछले 2019 में हम 56% वोट शेयर के साथ जीते थे, इस बार हम लोग 60% प्लस कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस को तो कोई देश प्रेमी मिला नहीं, कांग्रेस को तो कोई सेना का सम्मान करने वाला मिला नहीं और दिल्ली की जनता जवाब देगी। वैसे मैं और भी जगह आज भी नितिन गडकरी जी के लिए आया हूँ प्रचार करने और हमारे परवेज जी के लिए प्रचार कर रहा हूँ, अपने अलावे भी करीब 100 सीटों पे प्रचार करूँगा और अब के बाद 400 पार का सपना सत्य होगा।